आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। झारखंड में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष पर बोला हमला, कहा नागरिकता कानून का फैसला 1000% सच्चा। नागरिकता कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में तीसरे दिन भी हिंसा, 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को करेंगे कैंसर की अत्याधुनिक मशीनों का उद्घाटन, अब कम समय में हो सकेगा कैंसर का प्रभावी उपचार। मोतीलाल नेहरू पर विवादित वीडियो बनाना, अभिनेत्री पायल रोहतगी को पड़ा महंगा, राजस्थान पुलिस ने लिया हिरासत में। नागरिकता कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कल तक जो काम पाकिस्तान करता रहा आज वह काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से देश में आग लगाने की कोशिश की गई है उससे साफ हो गया है कि नागरिकता कानून का हमारा फैसला 1000% सच्चा है, देश हित में है। झारखंड के दुमका में आयोजित चुनावी रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी तूफान खड़ा कर रहे हैं, उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। ये जो आग लगा रहे हैं ये कौन है उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश का भला करने की, देश के लोगों का भला करने की इन लोगों से उम्मीद नहीं बची है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर सियासी बवाल जारी है। इसको लेकर पूर्वोत्तर के कुछ सीएम की अपील के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। झारखंड के गिरिडीह में चुनावी रैली के दौरान शाह ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने मुझसे कुछ बदलाव करने को कहा है, मैंने उन्हें क्रिसमस के बाद मिलने के लिए कहा है, हम मेघालय के वास्ते रचनात्मक तरीके से समाधान ढूंढने के लिए सोच सकते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राज्य के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए वह समर्पित है। शाह का नागरिकता कानून पर यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून पर पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तीसरे दिन नदिया, उत्तर 24 परगना और हावड़ा जिलों से हिंसा की घटनाएं हुई। उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों के अमदंगा और कल्याणी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई रास्तों को जाम कर दिया और सड़कों पर आगजनी की। इस बीच प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना में और दक्षिणी 24 परगना के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। नदिया में प्रदर्शनकारियों ने कल्याणी एक्सप्रेस हाईवे को जाम कर दिया और कुछ ने संशोधित कानून की प्रतियां जलाई। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर कायम है, उसने नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर पर भी कांग्रेस का रुख उसे बर्दाश्त नहीं है। बीएसपी नेता ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार चला रही है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर अब अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो यह उसकी नाटकबाजी मानी जाएगी और कुछ नहीं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना अपने मूल एजेंडे पर अभी भी कायम है, इसलिए इन्होंने नागरिकता संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ दिया और अब सावरकर को भी लेकर इनको कांग्रेस का रवैया बर्दाश्त नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में राहुल गांधी के बयान से हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं बल्कि राहुल गांधी है, वह सच्चाई के लिए मरते दम तक माफी नहीं मांगेंगे, जिस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि वह राज्यसभा में निंदा प्रस्ताव लाएंगे। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए बयान पर विपक्ष राज्य विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी। वीर सावरकर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम नेहरू और गांधी का सम्मान करते हैं, उन्हें सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि इस मुद्दे पर मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करूंगा। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने की भी बात कही है। रंजीत सावरकर ने कहा कि कोई भी उनके बारे में इतने असम्मानजनक तरीके से बात नहीं करता है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वह इस तरह के बयान देने के आदि हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को कैंसर उपचार की अत्याधुनिक मशीनों का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में होगा। राजस्थान में पहली बार रेडिएशन थेरेपी की नवीनतम मशीनें ट्यूब बीम एस्थिक्स, हेल्सियन लीनियर एक्सीलेटर एवं ब्रेकी थेरेपी लगाई गई है।
इस अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इन मशीनों की सहायता से अब कैंसर रोग का प्रभावी उपचार कम समय में होने के साथ ही रोग के पुनः होने की संभावना को और भी कम किया जा सकेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पायल की टीम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पायल ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक विवादित वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने उन्हें अहमदाबाद से गिरफ्तार किया। बूंदी की एसपी ममता गुप्ता ने कहा कि पायल रोहतगी को हिरासत में लिया गया है, केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं पायल रोहतगी ने इससे पहले अपनी गिरफ्तारी का दावा किया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मुझे राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो शेयर करने के लिए गिरफ्तार किया है, जिसे मैंने गूगल से जानकारी लेकर बनाया था। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक मजाक है। इस ट्वीट में उन्होंने राजस्थान पुलिस, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को टैग किया है। श्री अग्रवाल सेवा समिति की ओर से सरगम 2019 का आयोजन किया गया। छात्रों ने रंग बिरंगे परिधान पहनकर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री अग्रवाल शिक्षा समिति जयपुर की ओर से मनाए गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन ऑयल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरजी गर्ग सपरिवार मौजूद रहे। उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना के साथ शुरू हुई। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में छात्रों ने फिल्मी गीतों, सालसा व देश के कई राज्यों के लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। वार्षिक उत्सव सरगम 2019 के कार्यक्रम के दौरान समिति अध्यक्ष और महासचिव ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मसंयम, विद्यालय की प्रगति में सहयोग देना और अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना है। अग्रवाल शिक्षा समिति के द्वारा सरगम 2019 का आयोजन हो रहा है। ये प्रतिवर्ष हम एनुअल फंक्शन के रूप में आयोजित करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को कल्चरल एक्टिविटीज को आगे शुरू करने का मौका मिले। खासतौर से हम ये चाहते हैं कि उनका ओवर और डेवलपमेंट हो। खेल कूद के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि विद्यार्थी इसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।